मानसून के आने से पहले बिहार वासियों को झेलनी पड़ रही है भीषण गर्मी। दिन के दौरान ज्यादातर जिलों का मौसम शुष्क और उमस भरा है। तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हो रहा है। आज भी 25 जिलों के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहेंगे और 6 जिलों में हीटवेव चलने की संभावना है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में ज्यादा गर्मी है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग में बारिश जैसी स्थिति बनी हुई है। आज 6 जून को अरवल, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में दिन के समय हीटवेव की संभावना है। इन जिलों का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है और तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जमुई, बांका, भागलपुर, खगड़िया और मुंगेर में आंशिक बादल और आंधी की संभावना है। इन जिलों का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, पटना, गया और जहानाबाद में उमस वाली गर्मी का कहर जारी रहेगा। इन जिलों का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आसमान साफ रहेगा और तीखी धूप से दिन भर सामना करना होगा। ऐसे में बिहार के लोगों के लिए जीना हो गया है मुश्किल। मानसून की बात करें तो वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि मानसून उत्तरी सीमा के पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में आकर रुका हुआ है। बिहार में मानसून 10 से 15 जून के बीच आने की संभावना है। 5 जून को बिहार के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहा और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। इस दिन राज्य का सर्वाधिक तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में दर्ज किया गया। कब मिलेगी राहत, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। लोकल 18 के लिए पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट।